डॉक्टर साहब, आपने हमें सीबीसी के बारे में बहुत कुछ बताया। हमारे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं सीबीसी के ब्लड रिपोर्ट को लेकर, वो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो हम सीबीसी ब्लड रिपोर्ट टेस्ट कराते हैं, ये कब तक वैलिड रहती है? तो दोस्तों, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हमने आज जो ब्लड टेस्ट करवाया उसकी वैलिडिटी कितने टाइम तक रहती है। तो दोस्तों, वो सेम डे के लिए ही वैलिड होता है। हमारे पास कोई केस अगर पिछले दिन से भी आ रहा है तो हम उसका नए सिरे से ब्लड टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि ब्लड रिपोर्ट डे टू डे चेंज होती रहती है। आपने अगर सुबह भी कोई ब्लड टेस्ट करवाया, उसमें हीमोग्लोबिन 12 ग्राम आ रहा है, तो हो सकता है शाम को जब हम उसका ब्लड टेस्ट दोबारा करवाएं तो उसका 10 या 8 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्लिनिकल कंडीशन क्या है डॉग की। तो हमें सेम डे के लिए वैलिड मानना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक तारीख को ब्लड टेस्ट करवाया तो वो 7 तारीख को भी वैलिड होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हम ये ब्लड टेस्ट कराते हैं, क्या हम ये नॉर्मल सिरिंज में लेकर इसका ब्लड सैंपल लेकर लेबोरेटरी में लेकर जा सकते हैं? तो दोस्तों, जो क्वेश्चन था कि ब्लड टेस्ट की आप सिंपल सिरिंज में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो दोस्तों सिंपल अगर सिरिंज में आप ब्लड टेस्ट के लिए लेके आएंगे, ब्लड कलेक्ट करेंगे, तो वो कोगुलेट हो जाएगा। तो ब्लड टेस्ट के लिए हमें एंटी कोगुलेंट वाली वायल के अंदर करना पड़ता है। ये EDT की वायल आती है जिसमें ब्लड कलेक्ट करके आपको लेबोरेटरी में लेके जाना है। पहले टाइम में ये EDT के अलग से पाउडर भी आता था, वो हम सिरिंज में डाल के उससे ब्लड कलेक्ट कर लेते थे। अभी अच्छी वायल्स आ रही हैं, इजीली अवेलेबल हो जाती हैं नॉर्मल लेबोरेटरी पे, किसी भी क्लिनिक पे, तो इसमें डाल के उसके लिए ब्लड टेस्ट के लिए लेके जाना है आपने। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं एक ये चीज़ जानना चाहती हूँ, जो हम ब्लड सैंपल टेस्ट कराते हैं ह्यूमन लेबोरेटरीज में या वेटनरी लेबोरेटरीज में, उनमें क्या डिफरेंस रहता है, या हम कहीं पर भी करा सकते हैं? दोस्तों, ह्यूमन लेबोरेटरी और वेटनरी लेबोरेटरी का ये फंडा है कि नॉर्मली वेटनरी लेबोरेटरी आजकल मेट्रोज में ही है, मतलब नॉर्मल शहरों में है ही नहीं, तो हम ह्यूमन लेबोरेटरी से भी करवा सकते हैं। उससे हमारे को 80-90% आइडिया हो जाता है ब्लड रिपोर्ट के बारे में। कुछ एक फैक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे प्लेटलेट होती हैं, जो सी उसकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, एनिमल में डिफरेंट होती है और ह्यूमन में डिफरेंट होती है। तो कई बार जो ह्यूमन के ऑटो एनालाइजर के अंदर हम जब चेक करवाते हैं तो ब्लड प्लेटलेट की रिपोर्ट अलग आती है। तो उसका सलूशन ये बनता है, हम जब ह्यूमन लेबोरेटरी से ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हम लेबोरेटरी वाले कह देते हैं उसको मैनुअली भी चेक कर ले। जो स्लाइड के अंदर चेक करते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। तो आप ह्यूमन लेबोरेटरी में भी अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं डॉग का, पर मेक श्योर उसको कहो कि आप अपना उसका मैनुअली भी चेक करें उसको। थैंक यू डॉक्टर साहब। जो हमने ये ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है अगर EDTA की वायल में, तो ये जो लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं, ठीक है, उनको मेन सिटी तक आने में कुछ टाइम लगता है, तो ये कब तक वैलिड है और ये कब तक उसको सैंपल को टेस्ट करा सकते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हमने मान लो ब्लड कलेक्ट किया वायल के अंदर, उसको हम कब तक लेबोरेटरी के अंदर जा सकते हैं, ले जा सकते हैं कि वो ख़राब ना हो? तो दोस्तों, ये इसको अगर आपने बहुत दूर लेके जाना है ब्लड टेस्ट के लिए, आपके घर से लेबोरेटरी बहुत दूर है, तो आपने उसको आइस बॉक्स में लेके जाना है। उसको अगर आइस बॉक्स में लेके जाओगे तो 2 घंटे तक भी वैलिड रहेगा, ये 2 घंटे तक ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा अगर जैसे कई लोग देखते हैं कि हम लाल पैथ लैब में भेजते हैं सैंपल, या बहुत दूर दूर तक भेजते हैं और नेक्स्ट डे पहुँचने होते हैं, तो वो लेबोरेटरी वाला इसके अंदर ब्लड को और सीरम को सेपरेट करके भेजता है, वो उनका प्रोसीजर होता है। पर जो हम आज जो बात कर रहे हैं वो ये कि इसमें EDTA की वायल में अगर आप ब्लड लेके जाते हो तो 2 घंटे के अंदर लेबोरेटरी में पहुँचना चाहिए अगर आप आइस पैक में लेके जाते हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारे डॉग्स के अंदर कुछ बहुत ही कॉमन जानलेवा बीमारियां हैं, जैसे कि पार्वो वायरस, डिस्टेंपर वायरस, क्या ये सब भी हम एक ब्लड टेस्ट सैंपल रिपोर्ट से डायग्नोस कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने अभी आपको ब्लड रिपोर्ट के बारे में बताया था, जब कोई भी वायरल डिसीज़ होती है, पार्वो है, डिस्टेंपर है, या और भी किसी टाइप का वायरस हो जाता है अगर हमारे डॉग को, तो उसका WBC काउंट कम हो जाता है और लिम्फोसाइट काउंट भी कम हो जाता है। वो क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ वायरल होता है। उसके बाद हम उसको सिम्टम से कोरिलेट करते हैं और हमारे को काफ़ी कुछ आइडिया हो जाता है। ओके, तो जो हमारे पास ट्यूमर जैसी बीमारियाँ हैं, क्या वो भी ब्लड हम ब्लड रिपोर्ट से डायग्नोस कर पाएंगे? जो दोस्तों कॉमन जो ट्यूमर डॉग्स के अंदर होते हैं वो TVT होते हैं, ट्रांसवेनरल ट्यूमर, तो उसका डायग्नोसिस तो हमारे को वैसे ही पता लग जाता है, अपरेंटली ही पता लग जाता है। बाकी जो ब्लड कैंसर जो सा है डॉग के अंदर, वो ब्लड रिपोर्ट से बिल्कुल पता लग जाता है। ब्लड कैंसर के अंदर जो लिम्फोसाइट काउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और WBC काउंट 1 लाख के आसपास पहुंच जाता है, तो हमारे को क्लियर कट इंडिकेशन हो जाता है भी डॉग ठीक ठाक है और इतना ज़्यादा उसका TLC बढ़ा हुआ है
तो इसके अंदर ब्लड कैंसर हो सकता है। फिर उसके बाद आगे बायोप्सीज और आगे फर्दर टेस्ट होते हैं कंफर्म करने के लिए। हमारे को इम्प्रेशन जरूर पता लग जाता है ब्लड टेस्ट के अंदर। डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, अगर हमारे डॉग को टिक फीवर हो जाए तो हमें कितने कितने दिनों बाद उसका ब्लड टेस्ट कराना चाहिए? तो दोस्तों, आपको मैंने बताया था टिक फीवर के अंदर प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम हो जाता है। तो हम जैसे टिक फीवर का केस जब हैंडल करते हैं, उसके हर तीसरे दिन उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिससे कि हमारे को प्लेटलेट काउंट बढ़ता हुआ पता लग जाए क्या कितना उसका प्रोग्रेस हो रही है उसके अंदर। तो हर तीसरे दिन मैं रिकमेंड करता हूँ, अनटिल अनलेस जब तक उसका पूरी तरह से वो ठीक नहीं हो जाता। चाहे हमारे को 15 दिन करवाना पड़े, 20 दिन करवाना पड़े, जब उसका प्लेटलेट काउंट नॉर्मल हो जाता है, 1.5 लाख से ऊपर आ जाता है, तब हम उसको वो करते हैं। इसके बाद भी अगर एक बार आपका डॉग अगर टिक फीवर से ग्रस्त हो चुका है तो उसका हर 6 महीने बाद एक रूटीन चेकअप जरूर करवाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि सब क्लिनिकल रह जाता है टिक फीवर, हमारे डॉग को एक बार टिक फीवर होता है तो रिलैप्स के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, उसको हर साल भी टिक फीवर होने के चांस रहते हैं उसी सीज़न के अंदर। तो आपका अगर डॉग को एक बार टिक फीवर हो जाए तो हर 6 महीने बाद एक रूटीन चेकअप के लिए उसका CBC जरूर करवाना चाहिए, ताकि आपको इम्प्रेशन पता लग सके उसका। ठीक है, जो हमारे पास CBC टेस्ट हम लोग लेबोरेटरीज में कराते हैं, इसकी नॉर्मल कॉस्ट क्या रहती है? हाँ दोस्तों, ये भी कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि CBC का कितना कॉस्ट होना चाहिए हम जो भी है। तो ह्यूमन लेबोरेटरी से अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उनके पास जो रिएजेंट्स यूज़ करते हैं वो थोड़े से चीप होते हैं, तो उनकी रनिंग कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है। तो उसका समवेयर अराउंड 150 to 250 रहता है इसकी कॉस्ट ह्यूमन लेबोरेटरी में। और जो आईडेक्स की जो सी वेटनरी लेबोरेटरी होती है उसके अंदर थोड़े से रिएजेंट कॉस्टली होते हैं क्योंकि वो इम्पोर्ट होते हैं, पर उसकी रिपोर्ट बहुत एक्यूरेट होती है। तो उसका वेटनरी लेबोरेटरी के अंदर जो CBC की कॉस्टिंग 500 से 800 के बीच में रहती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन किस क्लिनिक से आप करवा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जो हमारे ओल्ड एज डॉग्स हैं उनके लिए कब कब हम रूटीन चेकअप करा सकते हैं कि ब्लड टेस्ट कराने की हमें ज़रूरत है, या रूटीन चेकअप में उनके लिए कब ब्लड टेस्ट कराया जाए? तो दोस्तों, पहले तो ओल्ड एज की डेफिनेशन हमारे को पता होनी चाहिए कि ओल्ड एज किस एज को हम ओल्ड एज मानते हैं। तो ऑन एन एवरेज 9 साल से ऊपर डॉग को हम ओल्ड एज ही मानते हैं। तो 9 साल से अगर आपका डॉग ऊपर हो चुका है तो उसके हर 6 महीने के बाद उसका रूटीन चेकअप के लिए CBC करवाना है। इसके अलावा ओल्ड एज डॉग के अंदर हम उसका डायबिटीज का टेस्ट भी करवाते हैं, और उसका लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराते हैं, और थायराइड का टेस्ट भी करवाते हैं। कई लोग थायराइड को बड़ा लाइटली लेते हैं, कई बार लोगों को डायग्नोस ही नहीं हो पाता, वो स्किन प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करते रहते हैं। मैं हाइपोथायरॉयडिज्म पे एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्लियर कट बताऊंगा। कई बार हमारे पास केसेस आते हैं कि वो खारिश हो रखी है डॉग को, एक्चुअल में उसको थायराइड होता है, वो हार्मोनल प्रॉब्लम होती है और लोग उसको आइवरमेक्टिन पे आइवरमेक्टिन लगा रहे होते हैं। तो ओल्ड एज के डॉग का सारे रूटीन चेकअप जरूर करवाने चाहिए हर 6 महीने के बाद। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब, ब्रीडर्स के बिहाफ पे, ब्रीडर्स को अपने डॉग्स के चेकअप के लिए कब कब ब्लड टेस्ट कराने चाहिए? दोस्तों, ब्रीडर्स को अपने डॉग के टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। अभी मेरे पास एक दीपक भाई आ रहा था, ब्रीडर है वो, उन्होंने शिह ट्ज़ू ब्रीड करते हैं। तो हमने एक दो डॉग का उनका बीमार चल रहे थे, उनका टेस्ट करवाया तो उसमें टिक फीवर मिला। तो हमने रूटीन चेकअप के लिए सारे डॉग्स का टेस्ट करवा के देखा तो उनके सारे डॉग्स के अंदर टिक फीवर हुआ था। 9 डॉग के अंदर सभी के अंदर टिक फीवर था। तो दोस्तों, अगर आपके डॉग में एक में किसी भी टाइप की बीमारी हो जाती है तो आपने उसका तो ट्रीटमेंट करना ही करना है, बाकी सारी डॉग्स की भी प्रिवेंशन करनी है कि आपके दूसरे डॉग को कोई बीमारी ना पकड़े। तो उसका अर्ली डायग्नोसिस सिम्टम आने से पहले ब्लड टेस्ट से ही पता लग पाएगा। सिम्टम आने के बाद तो ट्रीटमेंट बाद ज़्यादा लंबा खिंच जाता है, अगर आप पहले से ही बीमारी को पकड़ लेंगे तो उसका इलाज भी जल्दी होगा और अच्छे से होगा। अगली वीडियो डॉक्टर साहब हम किस चीज़ पे बनाएंगे? मेरी दोस्तों 3 वीडियोस आ रही हैं। एक तो मैं टिक फीवर पे वीडियो बना रहा हूँ, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है इन दिनों, जब ये टिक्स वाला सीज़न होता है तो बहुत कॉमन होती है, तो इसमें पूरी डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी हमारी वीडियो आ रही है कैनल कफ पे, कैनल कफ के भी बहुत सारे केस आ रहे हैं, इस टाइम पे भी आते हैं और सर्दियों के शुरुआत में भी आएंगे। तो तीसरा, हमारे पास बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारी फ़ीमेल हीट में नहीं आ रही तो उसका इलाज बताएं, तो ये फीमेल को हीट में लाने के लिए मैं सारे फंडे बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही अच्छी रहने वाली है दोस्तों। एक हम गिव अवे पे भी वीडियो बनाने वाले हैं, हम उसमें प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे और जो सबसे पहले मैसेजेस करेंगे हमारे क्लाइंट तो उनको हम फ्री सैम्पलिंग भी प्रोवाइड करवाएंगे कंपनी की तरफ से। तो आपने जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है पर बेल आइकन नहीं दबा रखा तो वो प्लीज़ अभी के अभी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए कि ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए और वो जल्द से जल्द मैसेज कर सके मेरे को। जो पहले मैसेज करेगा उस वीडियो के अंदर, गिव अवे वाली वीडियो में, हम उसको
सैंपल देंगे अपने जो कंपनी प्रोवाइड करेगी आपको। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट और शेयर लाइक करके ज़रूर बताना है, और मेरी वीडियो को बार बार देखना, अगर एक बार में समझ ना आए तो उसको बार बार देखो, 10 बार देखो, 20 बार देखो, जब आप बार बार देखोगे तो आपको सारी वीडियो समझ आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपकी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, थोड़ा हमारे लिए व्यूअर्स के लिए टाइम निकालने के लिए, उनके क्वेश्चंस आंसर्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।